नाउ लुक एट दिस, 2.40, 2.50, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। जस्ट लुक एट दिस गाइस, देख के हो जाओ, ठीक है? चलिए जो है ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, पर्ल इन द साइट, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम ट्रेड लाइक पर्लन। यार आज निफ्टी का एक्सपायरी है, वी आर गोइंग टू मेक सम लाइव जीरो ट्रेड्स। अगर आप मेरे रेगुलर ट्रेडिंग सेशंस, लाइव ट्रेडिंग सेशंस को देखते होगे तो आपको पता होगा कि दैट मैं दो तरह की ट्रेड्स बनाता हूँ। एक होती हैं वो ट्रेड्स जिनको मैं मोमेंटम के लिए होल्ड करता हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, एंड एक होती हैं वो जिसको मैं एडजस्टमेंट थ्योरी से लेता हूँ। ओके, जिनको एडजस्टमेंट थ्योरी नहीं पता है, आप मेरे रेगुलर लाइव सेशंस देखो या इसी सेशन को कम्प्लीटली देख लो, आप समझ जाओगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। करंटली वी आर लुकिंग एट माय पीएनएल, जो कि मैं 70,000 के आसपास लॉस में चल रहा हूँ। अगर अपन प्रीमियम्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो चल रहा है 19,115 पर, ठीक है? एंड अपने पास टाइम बचा है लगभग मार्केट ओवर होने में है, अभी कितने मिनट हैं, लगभग 40 मिनट हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि दैट प्रीमियम्स आर इनफ टू टेल अस कि मार्केट में क्या होने वाला है। देखो मार्केट के पास टाइम है, देर इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट कैन टेक प्लेस। अगर मैं आपको चार्ट सिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया है सुबह से, अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि दैट मार्केट गैप अप ओपन हुए, देन उसके बाद फॉल आया, कंसोलिडेशन क्रिएट किया एंड देन अप मूव आया, एंड देन अब मार्केट फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है? अब मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो नीचे से अप मूव आया है, ठीक है, सेलिंग एग्रेसिव नहीं है, ओके, एंड जो नीचे से अप मूव आया है वो कंटिन्यू होगा, ओके। एक जो छोटा सा सेल ऑफ आया है जहाँ से जो पुट साइड के प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुए हैं। अगर आप डाउन साइड का पुट देखोगे तो 40 रुपये चल रहा है, एंड जो 19,100 का पुट है वो 5 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है? मेरी एक्सपेक्टेशन है देर इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट गोइंग टू टेक प्लेस, ओके, एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंट्री कब लूँगा मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आपको दिख रहा होगा कि एक साइड 0.90 पैसा चल रहा है कॉल साइड का, एंड पुट साइड का 5 रुपये चल रहा है। ओके, मैं मार्केट को कहता हूँ कि दैट लेट द मार्केट स्पीक, ओके, जब मार्केट बोलेगा देन ओनली आई एम गोइंग टू मेक द एंट्री। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो अप मूव है वो कंटिन्यू होगा। ओके, नाउ मैंने चार्ट से देख लिया कि भाई मेरा व्यू क्या है। अब मैं प्रीमियम्स पे सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ एंड मैं प्रीमियम्स को बोलने देता हूँ। ओके, लेट द प्रीमियम स्पीक। ओके, जो 6 रुपये चल रहा है वो अगर 4 रुपये के नीचे डिप होगा तो मैं बता रहा हूँ द आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द क्वांटिटीज एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? वेट करते हैं मार्केट को कि ये जो प्रीमियम्स दिख रहे हैं आपको ये खुद बोलने देते हैं इनको, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर ट्रेड्स। ओके, एज ऑफ नाउ 5 रुपये और 0.80 पैसा के आसपास चल रहा है, एंड जो बड़े बड़े प्रीमियम्स हैं, ठीक है, वो नियरली 40 रुपये के आसपास चल रहे हैं, पी एंड एल 72,000 के आसपास लॉस में। ओके, मैं एक्चुअली ओवरनाइट जो था वो लॉस में खोला 2,43,000 के, एंड जो ये कवर किया है मैंने वो पूरा कम्प्लीटली एडजस्टमेंट को ट्रेड करके किया है। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रीमियम्स की अभी क्या सिनेरियो है। देखो यार कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वेट करना है कि लेट द मार्केट स्पीक, मार्केट को बोलने का वेट करना है, ठीक है? पहले से जंप नहीं करेंगे। ओके, पहले से जंप कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर एक बार मैं वॉचलिस्ट को अपडेट कर देता हूँ, यार जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम कंसोलिडेशन बना हुआ है, एंड वॉल्यूम्स को देखो आप, दैट वॉल्यूम क्या चल रहा है, ठीक है? नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट इज दैट जस्ट अ सेकेंड मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। And okay, so here I updated that. You can go with this watch list. Okay, मैं बता देता हूँ यार कि जब 0.60 का प्रीमियम है वो कहीं भी जा सकता है। ओके, लेट्स सी नाउ, आई हैव अपडेटेड हियर एंड लेट्स सी नाउ, वी जस्ट हैव टू वेट गाइस, वेट करना है एंड देखना है कि क्या होता है। ओके, मेरा एक ही व्यू है कि दैट मार्केट कैन शो अस अ अपसाइड। ओके, बैट बास्केट्स जो हैं वो मेरी सारी की सारी बास्केट्स जो हैं वो रेडी हैं, एंड कुछ क्वांटिटीज ऐड कर लेते हैं और मैं एग्रेसिव जाने वाला हूँ यार, क्योंकि ना एक ही इंडिकेशन चाहिए। अगर वो 3.50 रुपये के नीचे डिप होता है या 4 रुपये के नीचे डिप होता है, देयर इज़ माई बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स सी क्या होता है। देखो यार, द थिंग इज दैट मार्केट जब तक नहीं बोलेगा मैं तब तक नहीं करने जाऊंगा। ओके, मार्केट जब बोलेगा देन ओनली आई एम गोइंग टू मेक माय ट्रेड, एंड आई एम श्योर कि ये जो प्रीमियम आपको 80 पैसा में दिख रहा है अभी वो कहीं भी जा सकता है, इवन 5 रुपी ईजिली, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि दैट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट स्टिल आई कैन शो यू, ओके, कि ये कहाँ तक जा सकता है।
मेरे को एटलीस्ट 2 से 2.5 रुपये चाहिए, उतने में मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि वो मेरी 100% ROI बना देगा। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं, मैं 100% रिटर्न्स मेरे को मिल जा रहे हैं, मेरे को और क्या चाहिए, मैं क्यों 1000% या 500% टारगेट करूँ यार। ओके, हाँ मेरे को पता है कि प्रीमियम जा सकते हैं, बट स्टिल सी यार, रूल्स आर रूल्स, कितना लॉस करने वाले हो एंड कितना गेन करने वाले हो वो मैटर करता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, टिप होने देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू मेक द बाइंग ट्रेड। देखो यार, ये जो 40 रुपये का प्रीमियम दिख रहा है आपको, ओके 19,150 का PE 40-42 रुपये चल रहा है, ये ईजिली 100 मैं बता रहा हूँ आपको, 50% ईजिली ये ड्रेन हो सकता है। ठीक है, एंड जो 15 रुपये का कॉल चल रहा है वो ईजिली 30 रुपये जा सकता है। ठीक है, सी वी हैव टू प्रिडिक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ओके, जो मेजोरिटी कर रहा है वो नहीं करना है, जो माइनॉरिटी कर रहा है वो करना है। ओके, नाउ टिप हुआ, लेट्स एक्सिक्यूट इट। ओके, we have executed. Okay, now ठीक है, oh no यार, quantities कम है यार, बात करते करते पता ही नहीं चला कि that क्या बोलो यार, कि 1800 की जगह वहाँ 1000 रुपये लिखा हुआ है, 1000 quantity लिखी हुई है। खैर ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ दिख रहा होगा आपको 0.70 पैसा भी अपन ने buy किया है एंड अभी 100% गेंस देखने को मिल रहे हैं अपन को, नियर अराउंड 1.40 रुपीस के आसपास गया है। वेल यार, 1. क्या बोलो यार, मैं बात करते करते थोड़ा सा मिस कर दिया, क्या बताऊँ, मैं नियरली 36,000 क्वान्टिटीज एंड इवन 2 बार उसको स्वैप करने वाला था, नियर 1 लाख क्वान्टिटी लेने वाला था, बट स्टिल यार बात करते करते प्रीमियम भी निकल गया, वो डिप हो गया एंड मिस्टेक हो गई। इसीलिए यार मैं जब लाइव ट्रेडिंग सेशंस रिकॉर्डिंग करता हूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स भी कर रहा हूँ एंड यहाँ प्रीमियम्स भी देख रहा हूँ एंड अपना खुद का पेंडल भी मैनेज कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी, ओके तो 60 रुपये आया है ना, माई एक्सपेक्टेशन इज सेम यार, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने नहीं वाला हूँ, मेरे लिए 2 रुपये इज मस्ट आई वॉन्ट। ओके, 2 रुपये तो मेरे को चाहिए एंड 2 रुपये मैं निकलूंगा, हालांकि 100% ROI बन रही थी बट स्टिल आई नीड 2 रुपीस। ओके, 2 रुपये मिलेगा देन आई एम गोइंग टू एग्जिट देयर, आई नो दैट दिस प्रीमियम इज हैविंग द कैपेबिलिटीज टू स्पाइक टिल 5 रुपीस। ओके, बट स्टिल एंड लेट्स सी, 1 रुपये 50 पैसा, मैं क्या बोलूँ, बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ अभी मैं, कि 0.70 पैसा पे मेरे को एटलीस्ट 72,000 to 1 लाख क्वान्टिटी एक्जीक्यूट करनी थी, बट स्टिल मैं बात करते करते आपसे थोड़ा सा मिस कर गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 रुपये 45 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, ओके गुड, लेट्स सी। नाउ आप दूसरे साइड देखोगे तो जो 40 रुपये का प्रीमियम था पुट साइड में वो 30 रुपये आ चुका है। ठीक है, मेरे को लगता है ये 20 रुपये तक आएगा एंड अगर 20 रुपये के नीचे डिप होता है देन देर इज़ गोइंग टू बी ए पैनिक। ओके चलिए मैं कुछ देखता हूँ, ओके एंड ऑर्डर्स लगा देते हैं यार, ऑर्डर्स लगा देते हैं। ओके 1.4, ठीक है, सेलिंग मेरे को बस मिला, मैं देखो अभी 1 रुपये 50 पैसे चल रहा है। ठीक है, मेरे को 2 रुपये मिले मैं निकल जाऊंगा, 2 रुपये मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। ओके जस्ट 2 रुपीस, ओके 2.40, ग्रेट आई एम एक्सिटेड, दैट्स ऑल गाइस, ग्रेट इसको भी निकाला जाए। सो वी आर डन नाउ, कितना ROI बुक किया अपन ने, देखो कितने पे लिया था, 0.70 पैसा पे बाई किया था एंड 2 रुपये 40 पैसा गया है। इवन आई नो दैट दिस प्रीमियम इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू गो टिल 5 रुपीज, ओके बट मेरे को मिल गया ना, मेरे को जितना चाहिए था मिल गया, नियर अराउंड 200% ROI बनता है। ठीक है, मेरे को जितना चाहिए था मिल गया, 70 पैसा पे मैंने बाई किया एंड मैं कितने पे एग्जिट निकाला, 2.10 रुपीज़ पर, 2.10 to 20 रुपीज़, अगर मैं आपको, जस्ट सेकेंड, 1 रुपये 80 पैसे चल रहा है अभी। ठीक है, क्या ठीक है, कोई बात नहीं यार, क्वांटिटी पंच नहीं कर पाया, उस चीज़ का रिग्रेट है। अगर मैं आपको मेरा ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊं तो कितने पे बाई किया था अपन ने, 0.70 पैसा पे बाई किया है एंड 2.20 रुपीज़ के आसपास सेल किया। ठीक है, सो कितना परसेंट ROI बनता है आप खुद कैलकुलेट कर लेना एंड द मेन थिंग इज यहाँ पर पैसा नहीं है। ठीक है, मैं क्वांटिटीज आपको इन फ्यूचर दिखाऊंगा कि दैट कितना क्वांटिटी अपन ले सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप लर्निंग को नोट करो,
कि दैट रैंडम यहाँ पर कुछ नहीं है, अपन तुक्के से कुछ बाय नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस. ओके, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस 50% 100% 200% ट्रेड्स. ओके, मैं एक बार इतने रिटर्न नहीं निकाला हूँ यार. मैं बहुत बार, आप जाकर के चेकआउट करो लाइव सेशंस, कितनी बार अपन ये जो रिटर्न्स हैं उनको निकाल चुके हैं. ओके, द मेन थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है. ओके, एंड देन हाउ वी आर मेकिंग दिस ट्रेड्स एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. ओके, देखो यार, पेशेंस है एंड अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी विद एडजस्टमेंट थ्योरी. मैं अभी कम क्वांटिटीज क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम शार्पनिंग माई स्किल्स. ओके, मेरी स्किल्स एक बार शार्पन हुई, देन आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ मच क्वांटिटी आई कैन एग्जीक्यूट. ओके, जब भी मैं पैनिक में रहता हूँ तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा एग्जीक्यूट करता हूँ. आज भी मैं वही करने वाला था, 1 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया होता अभी सब कुछ बराबर हो गया रहता, बट स्टिल क्या कर सकते हैं. एंड अब आप एक चीज़ को देखो, दैट जो पुट है वो अभी भी 27 रुपये चल रहा है. देखो अभी पैनिक बनेगा, मैं आपको बताता हूँ कि अभी पैनिक बन सकता है. जो प्रीमियम है वो 5 रुपये तक भी जा सकता है. खैर स्टिल मेरे को उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, चलिए, जस्ट वॉन्ट टू से यार कि दैट मैं यहाँ पर रैंडम कुछ नहीं कर रहा हूँ. ओके, कि ऐसे ही कुछ भी बाई कर दिया, सेल कर दिया. द थिंग इज दैट यू शुड नो वॉट आई एम डूइंग. ओके, यू शुड अंडरस्टैंड. एंड न्यू व्यूवर्स, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दैट अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो योर जजमेंट ऑल्सो दैट वेदर इट्स गैम्बलिंग और इट्स ट्रेडिंग और इट्स नॉलेज. ओके, नॉलेज इज पावर आई बिलीव. तो रुपये 10 पैसा पे ट्रेड कर रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे और कोई इंट्री डाउन आने वाला नहीं हूँ यार. मैं ये लॉस को लेकर के निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इंट्राडे में ऑलरेडी नियर अराउंड 2 लाख के आसपास प्रॉफिट में हूँ. मैं इंट्राडे में ओवरनाइट लॉस था काफ़ी बड़ा. ओवरनाइट में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप डाउन खुलेंगे, बट मार्केट एक्सट्रीमली अपसाइड खुल गए. मैंने 113 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया था जो कि ओपन हुआ 250 रुपये पर, एंड दैट गिवन मी अ मेजर डेंट. ओके, चलिए कोई बात नहीं यार, जस्ट वॉन्ट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन गाइस, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे. एंड मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बट मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि दैट जो प्रीमियम है इट कैन स्पाइक टूवर्ड्स 5 रुपीज़ 2, एंड स्टिल मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ. बट नहीं, अब मेरा जो दिमाग है ना वो घूम रहा है. ठीक है, देखो यार, मैं यहाँ पे अगर हड़बड़ा के एंट्री बनाऊँगा ना तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो जाएगा वो. ठीक है, मैं अगर यहाँ पर हड़बड़ा के मैं अगर सोचूंगा कि दैट मेरा पैसा नहीं बना एंड मैं एंट्री को बनाने जाऊँगा, देन इट्स गोइंग टू बी अ मेजर थिंग फॉर मी. ठीक है, मेरे लिए वो अलग हो जाएगा काफ़ी. सो लेट्स क्लोज द थिंग्स एंड जस्ट वॉन्ट टू से सिक्योर ट्रेड लाइक बर्लिन, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट द एडजस्टमेंट थ्योरी, अबाउट बर्लिन्स एडजस्टमेंट थ्योरी. 2.40 देख के जाओ, लुक एट दिस. 2.40, 2.50, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये, जस्ट लुक एट दिस गाइस, देख के जाओ. ठीक है, चलिए जो है ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर. ठीक है, नेक्स्ट डे फिर कभी पढ़ाएंगे जरूर. आपको लॉजिक समझ आया, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी. बाय बाय, टेक केयर, जस्ट वांट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन.